हेलो फ्रेंड्स, पीएस की किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मावा लिया हुआ है, जिसे खोया भी बोलते हैं। 250 ग्राम यहाँ पे मावा है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। काजू है, बादाम है और पिस्ता है। और यहाँ पर मैंने 3 कप शुगर लिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये भगोना रख दिया है, गैस ऑन करते हैं। और इसके अंदर ये चीनी हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर हम डालेंगे। 2 गिलास पानी हमें डालना है। और चाशनी बनने के लिए हम रख देते हैं। ये चाशनी हमारी बन रही है, फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे। और एक तार बनने तक का हमें ये चाशनी बनानी है। तो जब तक हमारी चाशनी रेडी होती है, तब तक चलिए हम गुलाब जामुन का डो रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले डो बना लेते हैं। तो ये खोया है, इसको एक हम प्लेट में निकाल लेते हैं बाहर। और ये जो मैदा है, ये भी मैदा इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अब इसे हाथ की हेल्प से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। और इसका एक अच्छा सा डो हमें बनाना है। और इसे बहुत अच्छे से मसल मसल के हमें इसका एक बहुत ही चिकना डो बना लेना है। आप देख सकते हैं कि मेरा डो, गुलाब जामुन का डो रेडी हो चुका है। तो अब गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बार हम चाशनी अपना देख लेते हैं, बना है या नहीं। तो यहाँ पे मेरी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको लगे कि आपकी चाशनी गंदी है, तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमें दूध ऐड कर देना है। इससे क्या होगा कि जो चाशनी की हमारी गंदगी है, वो बाहर आ जाएगी। ये देखिए, इसे थोड़ी देर हम ऐसे ही चलाते रहेंगे और जो चाशनी की गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी। फिर उसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो ये आप देख सकते हैं, जो गंदगी है चाशनी की, वो बाहर आ गई है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं चाशनी हमारी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं हम। तो ये हाथ में थोड़ा सा ऐसे करके हम चेक करेंगे। ये देखिए, तो एक तार की हमारी चाशनी ये बनने लग गई है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। डो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो हम इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ इसके तोड़ लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार गोलियाँ, छोटा बड़ा, इससे जैसे भी चाहें आप छोटा बड़ा तोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो सारी गोलियाँ मैंने तोड़ ली हैं। अब गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये एक डो लेंगे हम, ऐसे लोई लेंगे ये, और इसको हल्के हाथों से हथेलियों पे ये इस तरह से बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर बनाते टाइम हमारा जो है कि दरार इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डो हमारा अच्छे से रेडी नहीं है। तो अगर दरार आ रही है, तो आप इसे वापस से डो को अच्छे से मसल मसल के बनाना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई जो है दरार नहीं आया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इस तरह से हम ये फैलाएंगे। और ये जो मैंने रखा हुआ था ड्राई फ्रूट्स, इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे इस तरह से। और इसको बंद कर देंगे। और इसका भी एक हम इस तरह से इसका गोली बना लेंगे। तो एक ये गुलाब जामुन बन गया। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन स्टफ़ करते हुए हम बना लेंगे। यहाँ पे मैंने गुलाब जामुन देखिए बना लिए हैं, और इसे तलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ऑलरेडी रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसे तलना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। और ध्यान रहे कि हमें
ऑयल को गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें बनाना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम तलेंगे। एक एक करके सारे गुलाब जामुन हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से हम चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। हाई फ्लेम पे अगर हम इसे पकाएंगे तो ये ऊपर से हो जाएगा, अंदर से होगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे कोई भी गुलाब जामुन फटे नहीं है, आप ये देख सकते हैं। अगर हमारे गुलाब जामुन फट रहे हैं इसका ये मतलब है कि डो हमारा अच्छे से नहीं हुआ है। तो अब इसे ये देखिए हो चुका है, मुझे इतना ही इसका कलर लाना है। तो अब इसको हमें क्या करना है, बाहर इसे हम हो चुका है बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सारे गुलाब जामुन हमारे बन चुके हैं, अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो ये जो चाशनी मैंने बनाई थी इसके अंदर ये इलायची का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर हम केसर ऐड करेंगे। केसर का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके अंदर हम केसर भी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इलायची का और जो मैंने केसर डाला है इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, अच्छा लगता है, तो मैंने डाला है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये जो अब गुलाब जामुन है मेरे, सब इसके अंदर हम डाल देंगे। जब हमारी चाशनी हल्की गर्म हो, ज़्यादा नहीं हल्की गर्म हो, तभी हमें इसके अंदर ही गुलाब जामुन डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस टाइम में फेस्टिवल का टाइम है, रक्षाबंधन है, तो आप अपने भाइयों के लिए घर में इसे आसानी से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसे 4 घंटे के बाद अगर आप खाएंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तब तक क्या होगा कि जो हमारी चाशनी है वो गुलाब जामुन अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर 2nd डे खाएंगे तो ये और भी ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा, जो इलायची और केसर का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गुलाब जामुन हमारा बनके रेडी है, आप देख सकते हैं ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और रक्षाबंधन है तो ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।